हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन तड़का मार के विद नीलू। आज की रेसिपी है कलेजी फ्राई। कलेजी खाने के बहुत फायदे हैं। जो लोग एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित हैं, उनको कलेजी फ्राई करके खिलाने से जल्दी एनीमिया में फ़ायदा होता है। साथ ही ये इम्यून बूस्टर का भी काम करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। कलेजी फ्राई की रेसिपी मैं पहले भी शेयर करी हूँ, वो स्पाइसी कलेजी फ्राई था और आज मैं जो बना रही हूँ ये इंस्टेंट कलेजी फ्राई है। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम कलेजी, जिसे अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर के ऊपर रख लें, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और जब कलेजी खरीद रहे हो तो कोशिश करें कलेजी के पीसेस लंबे लंबे कटवाएँ। और अब एक पैन को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी या बटर। और जैसे ये थोड़ा सा गरम हो जाए इसमें डालेंगे कलेजी के पीसेस। इसे अच्छे से उलट पुलट कर ले और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब 1 मिनट के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले और ये देखिए इसका कितना वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो इसे ड्राई होने तक कुक कर लेंगे। ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट में ये ड्राई हो जाता है। और जैसे ये ड्राई हो जाए इसे एक बार चेक करके देखें और ये कुक हो गया, तो इसके ऊपर डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1 पिंच लाल मिर्च का पाउडर और 1/8 मतलब 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्च का पाउडर, और सभी को अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर लें और इसे सर्विंग बोल में निकालें। ऊपर से चाहे तो बारीक कटे धनिया पत्ता और हरी मिर्ची से गार्निश करें।